नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं जज्बात 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भारतीय सेना के एक कर्नल, मेजर और उपाधीक्षक पुलिस अधिकारी ने अपनी जिंदगी गंवा दी जब एक मुठभेड़ के बीच सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक गोलीबारी की बरसात की गई। जम्मू कश्मीर के अनंत गांव जिले में बुधवार को पुलिस के एक अधिकारी ने एक दिन पहले न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि अनंतनाग जिले के कोकरनाग क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस संघर्ष में सेना के कर्नल और मेजर के निधन के साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के एक उप अधीक्षक भी जिंदगी खो बैठे। इस घातक संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने कई आतंकवादियों को भी मार गिराया और वे घातक हालत में हैं। इस हादसे के बाद कश्मीर के अलगाव और विशेष और सतर्कता के साथ राजधानी दिल्ली में संसद में एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। सत्र के दौरान सदस्यों ने जम्मू कश्मीर में हादसे की निंदा की और वीर शहीदों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई। भारत सरकार ने घातक हमलों के खिलाफ कड़ी कदमों की जरूरत को महसूस किया है और यह घातक हमले की तरह के संघर्षों के खिलाफ उच्च स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था करने का संकल्प दिखाया है। इस समय भारत के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव की चर्चा के लिए महत्वपूर्ण भारत सम्मेलन का आयोजन भी हुआ है। इस सम्मेलन में विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों का सहभाग हो रहा है, जहां उन्होंने राष्ट्रों के बीच सुरक्षा और सहयोग के मुद्दे पर चर्चा की है। इस दुखद समय में देश के लोग वीर शहीदों के साथ खड़े हैं और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति जता रहे हैं। इस हादसे के बाद राष्ट्र के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने का संकल्प जताया है और उन्होंने अपनी वीरता और अदम्य साहस का संकेत दिया है। यह हादसा हमारे सुरक्षा बलों की महानता और पराक्रम को दिखाता है और हम सभी को इस दुखद घड़ी में एक साथ खड़ा होकर आतंकवाद के खिलाफ साझा मुद्दा बनाने का संकल्प लेना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बात 24।